ओम शांति। आज हम आपके समक्ष मन की शक्तियों के बारे में कुछ तथ्य रखना चाहते हैं। हमारा मन पावर ऑफ थॉट है, इसमें निरंतर संकल्प उठते रहते हैं, थॉट्स उठते रहते हैं, विचार आते ही रहते हैं। हमें पहली एक बात ये जाननी चाहिए कि निरंतर इन विचारों के कारण मन की शक्ति यूज होती रहती है। जैसे हम अपने मोबाइल की या लैपटॉप की बैटरी चार्ज करते हैं, फिर उसको यूज करते रहते हैं, तो बैटरी यूज होती रहेगी, डिस्चार्ज होती रहेगी। ऐसे ही हमारे मन की शक्तियां भी संकल्पों में यूज होती रहती हैं। अभी इसमें दो बातें जाननी बहुत इम्पोर्टेंट हैं कि अगर हमारा मन बहुत निगेटिव सोचता है तो मन की स्पीड बहुत फास्ट हो जाती है। अगर हमारा मन वेस्ट थिंकिंग करता है तो मन की स्पीड बहुत ही फास्ट होती रहती है। हम सबको जानना चाहिए कि मन में एक नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड में 25 थॉट्स पर मिनट उठते हैं, परंतु जब हम नेगेटिव या व्यर्थ सोचते हैं तो ये स्पीड 25 से 30, 30 से 40 तक भी हो जाती है। इससे मन की शक्तियां तेजी से नष्ट होती हैं। दूसरी चीज, हम जब बहुत अच्छा सोचते हैं, विचारों की कई क्वालिटीज हैं, हम पॉजिटिव सोचते हैं, हमारे मन में प्योर थॉट्स उठते हैं, हमारे मन में शक्तिशाली थॉट्स उठते हैं, हमारे मन में कॉन्फिडेंस के थॉट्स उठते हैं, मोस्ट एलिवेटेड थॉट्स उठते हैं, हायर कॉन्शियसनेस और सुपर कॉन्शियसनेस के थॉट्स उठते हैं, तो मन को शक्तियाँ मिलती रहती हैं। ये दो बातें हमें हमेशा ही जाननी चाहिए। आपने सुना होगा, मनोवैज्ञानिकों ने सर्वे किए तो पाया किसी मनुष्य के मन में एक दिन में ही 60,000 थॉट्स उठ रहे थे, किसी दूसरे के मन में 50,000, किसी तीसरे के मन में 40,000 वाले बहुत थे। लेकिन अगर हम अपने मन की स्पीड को स्लो डाउन करना सीख लें, अब 25 थॉट्स एवरेज रूप से उठते हैं हमारे मन में, यदि हम उसको 20 करना सीख लें तो हम समझ सकते हैं हमारी ये मन की जो सारे दिन की संकल्पों की काउंटिंग है ये 20,000 पर आ जाएगी। तब हम बहुत एनर्जेटिक हो जाएंगे, हमारे अंदर बहुत शक्तियां आ जाएंगी। जो लोग राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं, जो मेडिटेशन करते हैं, जो बहुत अच्छा सोचते हैं, जिन्होंने ईश्वरीय ज्ञान ले लिया है, जो अपने मन को भटकने नहीं देते, उसे एकाग्र रखते हैं, तो वो अपने मन की स्पीड को और धीमा कर सकते हैं, अब 20 से 15, 15 से 10। आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य भी होगा और खुशी भी होगी कि हम अपने मन की स्पीड को 10 थॉट्स पर मिनट तक भी ला सकते हैं, कार्य व्यवहार में, एक नेचुरल लाइफ में। ये नहीं इसके लिए हम बैठकर कुछ करेंगे, हम अपने एटीट्यूड्स को ऐसा बना लें, हम अपने आर्ट ऑफ लिविंग को ऐसा सरल कर लें, हम अपने एटीट्यूड्स को बहुत पॉजिटिव कर लें, जिसको स्पिरिचुअल लैंग्वेज में एक शब्द दिया जाता है कि हम साक्षी भाव में आ जाएं, तो हमारे मन की स्पीड बहुत ही धीमी थी। मैं आप सभी को एक रहस्य बता दूं, जब इस सृष्टि पर सतयुग था और हम सभी मनुष्य देवी देवता थे, आपको ये रहस्य भी जानना चाहिए, सृष्टि के आदि में हम मनुष्य देवी देवता रूप में थे,
नो निगेटिविटी, नो इम्प्योरिटी, संपूर्ण सुख शांति प्योरिटी प्रोस्पेरिटी हैप्पीनेस सब कुछ था। तो देवताओं के मन की स्पीड 10-8-10 थॉट्स पर मिनट थी। तो देखिए हमारी जो शक्तियां थी बहुत धीमे धीमे यूज हुई। इसलिए हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं कि पूरे सतयुग में ही 2 कलाएं कम हुई, यानी आत्मा की जो बैटरी है वो 12.5% ही यूज हुई केवल। त्रेता में ये स्पीड थोड़ी सी बढ़ गई, 12-14 थॉट्स पर मिनट एंड तक पहुंच गए। इसलिए आत्मा की कलाएं और कम हो गई, कम से कम 4 कलाएं और कम हो गई। तो इस तरह जब द्वापर युग आया तो ये स्पीड 20 तक पहुंच गई और 20-22-25 तक ये चलती रही, और कलयुग में अब ये 25 से बहुत ज्यादा हो गई। पिछले 50 सालों में ये स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि मनुष्य ज्यादा निगेटिव हो गया। उसके पास विज्ञान के साधन तो बहुत आए, उसको इन्फॉर्मेशन तो बहुत मिली, उसके बाह्य ज्ञान में तो वृद्धि बहुत हो गई, लेकिन उसके मन की स्पीड में भी वृद्धि हो गई। इससे क्या परिणाम हुआ? मन बहुत कमजोर हो गया। अब पहले ही मन की जो बैटरी थी वो 10% पर आ गई थी, अब वो डाउन होते होते बहुतों की बहुत ही कम रह गई है। वो 0 पर कभी नहीं आती, पर बहुत कम, एकदम लोवेस्ट पॉइंट पर आ गई है। इस कारण से बहुत सारे नुकसान मनुष्य को हो रहे हैं। अब देखिए माइंड की पावर कम और पढ़ाई का प्रेशर ज्यादा, एग्जाम का प्रेशर, एक अच्छा कैरियर बनाने का प्रेशर, माँ बाप का प्रेशर, फ्रेंड सर्किल का प्रेशर और बहुत सारे प्रेशर विद्यार्थी पे रहते हैं। तो उनको डिप्रेशन होने लगता है, उनकी खुशी चली जाती है। तो हमें एक ऐसा जीवन सीखना है जिसमें हम बिना प्रेशर के जिंदगी को जी लें, और ये जो मन की हमारी बैटरी बहुत लो हो गई है इसको भी हम अप कर सके, इसको हाई कर सके। तो ये कला तो राजयोग से आपके पास आएगी, ये कला तो ईश्वरीय ज्ञान लेने से आपके पास आएगी। हम इस चीज को ध्यान दें, ये बहुत ही बड़ा और गहरा सब्जेक्ट है कि आज संसार में अनेक समस्याएं इसलिए हैं कि मन बहुत वीक है। अगर मैं ऐसे कहूं कि प्रॉब्लम्स आर नथिंग बट द क्रिएशन ऑफ ए वीक माइंड, तो ये बिल्कुल सत्य होगा। क्यों? अब इसके रहस्य को भी हम समझ लें। अब सेकंड जो बड़ा सीक्रेट है मन की शक्ति का, कि जो कुछ हम सोच रहे हैं सारा दिन उनसे वाइब्रेशंस पैदा हो रहे हैं, तो हमारे चारों ओर एक ओरा रहता है हमेशा ही, हमेशा ही हर व्यक्ति के चारों ओर एक प्रभा मंडल बना ही रहता है। तो अगर हम बहुत निगेटिव सोच रहे हैं, अब आप उस व्यक्ति के लिए सोचो जो बहुत निगेटिव सोचता है, जो हमेशा डर में रहता है, जो हमेशा प्रेशर में रहता है, या चिंताओं में जीवन जीता है, या जिसके जीवन में परिवार में थोड़ा क्लह क्लेश है, म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट है, उसका ओरा कैसा होगा, उसके वाइब्रेशंस कैसे होंगे? बहुत कमजोर। तो इस कमजोर प्रभा मंडल के कारण चारों ओर की निगेटिविटी हमारे अंदर आने लगती है, क्योंकि हमारे सारे द्वार खुल गए, हमारे चारों ओर पावरफुल ओरा है ही नहीं जो निगेटिव एनर्जी को रोके। तो इस कॉस्मोस में, इस सारे यूनिवर्स में जो भी निगेटिव एनर्जी है, जो भी गंदे वायरस हैं, कीटाणु हैं, उनको हम अट्रैक्ट करने लगेंगे, वो हमारे अंदर आने लगेंगे। और इससे हम समझ सकते हैं हम अनेक समस्याओं के, अनेक बीमारियों के शिकार हो जाएंगे। तो हमें बहुत ध्यान देना है कि हम अपने संकल्पों को ठीक करें, हम अपने ओरा को एक सुंदर क्रिएट करें, पावरफुल प्रभामंडल का निर्माण करें, तो हम जीवन में आने वाली अनेक व्याधियों से, समस्याओं से,
बच सकेंगे, हम जीवन की यात्रा का आनंद ले सकेंगे, हम जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकेंगे और हमारा भविष्य भी बहुत उज्ज्वल हो जाएगा। ओम शांति।